देखो जो कुछ भी हुआ है आई थिंक उसे क्रॉस चेक करना चाहिए हमें कि जनक को ट्यूमर है कि नहीं है या फिर आदित्य कपूर निरुद्ध को फंसाने की कोशिश कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब हमें जानकारी होनी चाहिए। मैंने गुरुजी से कहा है वो पता करवाएंगे। पता चल भी गया मोम तो भी हम क्या करेंगे? ये तो फैक्ट क्लियर है ना कि अनी का ध्यान मुझसे हट गया है और जनक पर है। Exactly. अनी अब मुझसे प्यार नहीं करता है। नहीं अर्शी बेटा, नहीं नहीं। देखो बेटा, कोई कोई अगर किसी की हेल्प करना चाहता है और हेल्प करने गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेटा तुम्हारे डैड ने भी बहुत बार कईयों की मदद की है। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी मामी को हॉस्पिटल लेकर गया जब तुम्हारे मामा और तुम्हारी मॉम इंडिया के बाहर थे। Come on, विनायक, वो मेरे भाई साहब की बीवी है। और ये तुम्हारी बहन की बेटी है। वो कोई नहीं है मेरी। हाँ कोई नहीं, अगर कोई होती तो तुम्हें कब का सुधार दी होती। क्या? और अब एक बार फिर अर्शी और अनी के रिश्ते को लेकर सृष्टि और विनायक के बीच में तू तू मैं है। क्या कहा आपने? क्या गलत कह रहा हूँ मैं? सब कुछ अच्छा चल रहा था अनिरुद्ध और अर्शी के बीच, लेकिन जब तुम कश्मीर गई तो उसके बाद वो तो दिन ही काला धब्बा था। अगर मुझे पहले पता होता ना कश्मीर में ये सब होने वाला है तो मैं जाती ही नहीं। देखो अब तुम प्रैक्टिकली नहीं सोच रही हो सृष्टि, एक बार ध्यान से सोचो कि वहां पर क्या हुआ था। किस तरह तुमने उर्वशी और झनक के साथ बदतमीजी की थी, किस घिनौने तरीके से बार बार उनके साथ दुराचार किया था। मैंने कितनी बार टोकने की कोशिश की और बार बार तुमने अनिरुद्ध को झनक की हेल्प करने से रोका, बात करने से रोका। अगर ये सब नहीं किया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। और मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? सिर्फ इतना ही ना कि झनक की पढ़ाई खत्म करवाते हैं और उसके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसकी भरपाई करते हैं, लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं होने दिया। मगर डैड, झनक और अनी कश्मीर से शादी करके आए थे, इसमें क्या मैंने या मॉम ने उनसे कहा था शादी करने के लिए? अर्शी बेटा, वो एक मजबूरी थी, मजबूरी में शादी करनी पड़ी उसे। आपको तो उसकी हर एक चीज मजबूरी दिखती है। मजबूरी थी सृष्टि, क्योंकि उस लड़की को बचाना था। तो उसे बचाने की जरूरत क्या थी? और यहाँ भी अब पुराने दिन और परिस्थितियों की बात हो रही है। विनायक कुछ खास बोलना चाह रहा है। जरूरत थी क्योंकि अनिरुद्ध एक अच्छा इंसान है, इंसानियत के नाते उसे ये काम करना ही था जो कि मैं 24 साल पहले नहीं कर सका। और अब तो कोई तो ऐसा सच है जिसे सृष्टि आज तक सामने आने नहीं दी है, और अर्शी भी चौंकती है कि आखिर विनायक क्या बोलना चाहते हैं। डैड, 24 साल पहले आप क्या नहीं कर पाए थे? अपनी मॉम से पूछा तो। मॉम? मुझे कैसे पता होगा? शायद 24 साल पहले अनिरुद्ध बनने का शौक होगा इन्हें। हाँ, वैसा होता ना अर्शी तो हम दोनों बच जाते। देखो कहानियां बनाने की जरूरत नहीं सृष्टि, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। मॉम डैड प्लीज फॉर गॉड सेक, आप अपने ही इश्यूज लेकर बैठ गए हैं। मैं यहाँ अनी के बारे में बात करने आई हूँ। आपको क्या लगता है डैड, अनी ने झनक से शादी करके सही किया? अब झनक के पीछे मुंबई चला गया है, ये सही किया उसने? बेटा सही करने की कोशिश की है उसने। हाँ एक गलती हुई उससे, ये कि वो शादीशुदा है। जाने से पहले उसे तुमसे पूछना चाहिए था और हो सकता तो तुम्हें लेकर जाता साथ। साथ लेकर जाने की तो छोड़ दीजिए, पूछा तक नहीं होगा। पूछा था? और एक तरफ जहाँ सृष्टि को पूरा भरोसा है कि अनी ने तो पूछा ही नहीं होगा, विनायक को है अनी पर विश्वास। वहीं तो फिर तुम्हें जाना चाहिए था अर्शी, कम से कम अपनी आंखों से चीजों को देखती तो तुम्हें क्लैरिटी मिलती, अनिरुद्ध का क्या स्टैंड है पता होता तुम्हें। डैड मैं बहुत थक चुकी हूँ इन सब से, मैं और नहीं झेल सकती। और वैसे भी मेरी बेटी वहां जाकर क्या देखती? हाँ इसका पति वहां वफाई कर रहा है कि बेवफाई? सृष्टि खुद देखने से ना खुद को तसल्ली मिलती है। अभी यहां पर किसी को लगता है कि अनिरुद्ध धोखेबाज है, किसी को लग रहा है कि अनिरुद्ध को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और कोई यहां तक कह रहा है कि अनिरुद्ध झनक से क्या। और अब विनायक अपने इमोशंस पर काबू रखता है, नहीं तो बवंडर मचेगा यहाँ। हाँ
रुक क्यों गए, बोलिए ना। नहीं कुछ नहीं। और जो बात अर्शी ने शेयर की थी वो अब विनायक सृष्टि के सामने नहीं आने देता। एनीवेज अर्शी, तुमने अनिरुद्ध को कॉल किया? नहीं। वाह ग्रेट, कॉल करो उसे अभी कॉल करो उसे। और अब विनायक और भी हैरान हो जाता है सृष्टि की हरकतों से। ऐसे कैसे फोर्स कर सकती है वो अपनी ही बेटी को। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Switched off? Ha, I knew it. मैं जानती थी। मुझे तो हालात ठीक नहीं लग रहे। देखो अर्शी, अभी भी वक्त है। तुम चाहो तो इस शादी को रिकंसिडर कर सकती हो। मॉम, मुझे ये सोचने के लिए टाइम चाहिए। अर्शी, देखो बेटा, आज अभी के लिए यहीं पे रुक जाओ। वो मैं तुम्हें बचपन में कहानियां सुनाया करता था, फिर से वैसी कहानियां सुनाऊंगा। कहानियां सुनाओगे? Come on विनायक, ऐसी हालत में आप अब इसे कहानियां सुनाएंगे? हाँ क्यों नहीं सुनाऊं। और अब सृष्टि इरिटेटेड होकर देखती है विनायक को। पर अब मेरी इकलौती बच्ची है, इकलौती बेटी है, अगर मुसीबत के समय मैं काम नहीं आऊंगा तो फिर कौन आएगा? इसके लिए मैं वो हर चीज करूंगा जो इसे चाहिए। ठीक है अर्शी, तुम यहाँ रुक जाओ, लेकिन हाँ आज की रात में तुम्हें शादी को लेकर डिसीजन लेना होगा। अरे सृष्टि, थोड़ी तो फुर्सत दो इसे। फुर्सत बस हो गई विनायक, अब एक्शन लेने का वक्त आया है। डैड, डैड आपको लगता है कि मुझे अनिरुद्ध के पीछे मुंबई जाना चाहिए? नो, जाना चाहिए बेटा, जाना चाहिए। और एक बार फिर मतभेद है सृष्टि और विनायक की सोच में। और अब अर्शी आखिर किसकी सुने? अगर तुम्हारी इच्छा है तो जरूर जा। ठीक है डैड, मैं इसके बारे में सोचती हूँ, और अगर मुंबई जाना है तो मैं कल ही टिकट्स करवाती हूँ। तुम नहीं जाओगी। सृष्टि से जाने तो इसे तसल्ली मिलेगी। और अर्शी बेटा, आज रात के लिए रुक जा प्लीज। नहीं डैड, मैं अनी की मॉम को बताकर नहीं आई हूँ। अगर बताकर आती तो मैं रुक जाती, और वैसे भी मुझे अकेले में थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, एक फैसले पर आने के लिए। अभी मैं चलती हूँ। अर्शी क्यों? अर्शी मॉम प्लीज, आज नहीं। सृष्टि से जाने तो इस वक्त इसका अकेला रहना बहुत जरूरी है। और आज पहली बार एक बाप अपनी बेटी के लिए फैसला ले पाया है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। विनायक को हैरानी है, परेशानी है कि जो चीज वो कर बैठा था सालों पहले वही कहीं किसी और के साथ ना दोहराए। और ये क्या बात है ये भी हम आपको बताएंगे यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। तो तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए जनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।